Hello guys, welcome back to my channel name is mini maths and aaj hum cover karenge reasoning ka ek chapter jo ki hai mirror image ke main yahan pe sare patterns cover karungi sare patterns mein yahan pe hai mirror image of letters ko hum kaise likhenge mirror mein wo kaise dikhta hai hum use kaise easily likh payenge wo hum dekhenge yahan pe mirror image of numbers ke bare mein bhi dekhenge ki numbers kaise dikhenge hame kaun se numbers same hote hain mirror image mein okay mirror image of figures का मिरर इमेज अगर बीच में मिरर है तो हम उसे कैसे बना पाएंगे हम कैसे ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ये क्लॉक वाला जो टाइम वाला आता है मिरर इमेज का काफी इंपॉर्टेंट है लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बट बहुत इजी है मैं इसका ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको डायरेक्टली टाइम बताएगा जो आपको आंसर में लिखना होगा ओके तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे अभी देख रहे हैं मिरर इमेज ऑफ लेटर्स सबसे पहले ओके यहाँ कुछ टेबल दिख रहा है ना मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर्स मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर्स हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं लेटर्स लिख रहे हैं और यहाँ क्या लिख रहे हैं उनका मिरर इमेज लिख रहे हैं ओके तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है गाइज आप एक बार देख लीजिए कि इससे कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं ओके गाइज बी का जो कंसेप्ट है बी वाला जो है ना वॉटर इमेज में थोड़ा सा चेंज रहता है मैं इसके बाद वॉटर इमेज पे भी वीडियो बनाऊंगी इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी ओके तो आप उसे भी देखिएगा वॉटर इमेज का कंसेप्ट भी उसमें भी मैं पूरा बताऊंगी चलिए तो यहाँ पे अभी देखते हैं ए का हमने देखा क्या है ए का मिरर इमेज क्या है सेम है राइट बी का चेंज है बी का इस तरफ अगर ऐसा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया राइट द सेम एन एस सी यही होता है हमारा मिरर इमेज चेंज हो जाता है हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है करेक्ट है इन द सेम मैनर अगर मैं देखूं कि और किसका किसका सेम है हमारे पास मिरर इमेज है ना तो और किसका किसका सेम आ रहा है एच का आ रहा है आई का भी है एम का और किसका है एन का तो नहीं होगा ओ का है पी क्यू आर एस टी का है यू वी डब्ल्यू भी है एक्स भी है और वाई भी है कैपिटल लेटर्स में जैसे जैसे मैंने अभी ये सर्कल किया है वो सब क्या है हमारे पास कॉमन रहेगा आइडेंटिकल मिरर इमेज बोलते हैं उसे जिसका मिरर इमेज क्या होगा सेम होगा इन सबका मिरर इमेज क्या है सेम दिख रहा है हमें है ना इन सबका मिरर इमेजेस हमें सेम मिलेगा तो इन्हें हम क्या बोलते हैं आइडेंटिकल मिरर इमेजेस इन द सेम मैनर अगर मैं स्मॉल लेटर्स की तरफ आऊँ तो स्मॉल लेटर्स में मैं देखूं तो ए तो अपोजिट हो गया मतलब ये क्या है आइडेंटिकल नहीं हुआ है ना तो आइडेंटिकल कौन सा होगा यहाँ पे आई होगा करेक्ट है आई का सेम है ना एल का सेम है एल होगा जे का इधर टर्न हो गया इसलिए हम जे को लेंगे नहीं ये दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा ओके एम नहीं ले सकते क्योंकि एम का जब हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं तो ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा ओके तो इसलिए ये भी नहीं है ओ है लेकिन ओ है आर पी क्यू नहीं है एस नहीं टी नहीं यू भी नहीं यू में भी इसी के कारण है ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा अपोजिट लिखा रहा है ओके ये अपोजिट लिखा रहा है ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये ऐसा लिखाएगा है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ये भी और ये भी तो ये सेम नहीं होंगे लेकिन वी वी सेम है डब्ल्यू सेम है एक्स सेम है वाई सेम नहीं होगा क्योंकि वाई का हम ऐसे टिल्ड करते हैं और ये इधर भी टिल्ड हो गया तो वाई अपोजिट हो अलग हो गए ओके तो ये सारे क्या है ये सब सेम है सेम आ रहे हैं इन्हें क्या बोलेंगे हम आइडेंटिकल मिरर इमेज ऑफ अ स्मॉल लेटर्स ओके तो इसी के बेसिस पे लेटर्स वाले पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी गाइस कुछ क्वेश्चन करते हैं मैंने तीन क्वेश्चन लिए मिरर इमेज काफी इजी है इसलिए थोड़ा जल्दी भी करेंगे सारे पैटर्न करना है ओके तो मिरर इमेज में अगर आपको मिरर कहीं पे दिया नहीं रहता है ऐसा हम मिरर लेते हैं है ना तो अगर आपको कभी मिरर गिवन नहीं है कि किस जगह पे प्लेस किया हुआ है सपोज यहाँ पे अगर स्ट्रोक लिखा होता और मिरर यहाँ प्लेस किया होता ओके मिरर यहाँ प्लेस किया होता तो हम इस डायरेक्शन पे लिखते हैं ना तो मिरर कहाँ पे प्लेस है अगर आपको नहीं दिया होता है गाइस तो आप हमेशा कंसीडर करेंगे उसे राइट साइड में ओके उसके साइड वाइज में कंसीडर करेंगे मतलब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे मिरर कंसीडर करेंगे अब अगर मैं मिरर कंसीडर कर रही हूँ तो इसका अब अपोजिट लिखना स्टार्ट करते हैं ओके तो सबसे पहले क्या आएगा ई ई को हम ई नहीं लिख सकते उसका मिरर इमेज लिखेंगे जो की अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे ओके वैसे ही के गाइस आप क्या कर सकते हैं पता है इसे ऑप्शन वाइज भी टिक कर सकते हैं जैसे पहला हमारे पास आंसर क्या आने वाला है ई आने वाला है राइट तो ई वाला वो भी ऑपोजिट तो ये तो एलिमिनेट हो गया आर भी एलिमिनेट हो गया अब ये तो ओरिजिनल ई लिखा है ना कि मिरर इमेज का तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया गाइज हम ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करते चलेंगे ना तो हमारे लिए एकदम फास्ट सॉल्व करते हो जाएगा वो जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ ई लिखा और ई से ही मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा आंसर है
और अगर आपको पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हैं, बट इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग और कोई मतलब नहीं है उसका, अगर आपको आंसर्स मिल रहे हैं ऑलरेडी तो. तो ये कुछ ऐसा मिलेगा हमें लिखने के बाद. ओके तो ये लिखने के बाद ये मिल रहा है ई देन के ओ आर टी एस. ओके मिरर इमेजेस में. तो दिस इज योर आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगर मैं कंसिडर करूँ सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में मिरर हमने यहाँ प्लेस कर लिया. अब L को हम अपोजिट में क्या लिखते हैं मिरर में, ऐसा कुछ. ओके तो L यहाँ पे लिख लिया हमने. उसके बाद क्या है L, अब एलिमिनेट करते हैं कौन सा आएगा. ऐसा L कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तो नहीं लिखा, ये तो उल्टा लिखा है, तो ये एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन नंबर A तो नहीं हो सकता, ये वाला, ये तो ओरिजिनल L लिखा है, तो ऑप्शन नंबर C भी नहीं हो सकता. लेकिन ऑप्शन नंबर B और D अभी भी वैलिड है ना. L इसमें भी करेक्ट है और इसमें भी करेक्ट है, तो चलो आगे देखना पड़ेगा. इसमें ए को तो ए ही लिखते हैं, तो यहाँ पे ए वाला पोर्शन भी करेक्ट होगा. आर को हम कैसे लिखते हैं, आर को ऐसा लिखते हैं, चलो ये आर भी करेक्ट हो गया. फिर ई उल्टा ई आ गया, उल्टा ई दोनों में करेक्ट है, वेरी गुड. टी को हम ऐसे ही लिखते हैं, टी भी ऐसे ही है, और ए को भी ऐसे ही लिखते हैं, तो ए भी ऐसे ही है. बचा क्या फिर से एल, तो एल ऐसा आना चाहिए है ना, तो यहाँ पे तो ऐसा है लेकिन यहाँ पे गलत है, तो ये गलत हो गया. और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर. ओके वैसे ही गाइस ये थर्ड वाला देखते हैं क्या लिखा है. ये क्वालिटी, क्वालिटी वाई तो आइडेंटिकल होता है तो वाई एज इट इज, टी आइडेंटिकल होता है तो टी एज इट इज, आई एज इट इज, तो वाई टी आई जिसमें है वो तो वैलिड रहेगा. इसमें क्यू यू वो भी ऐसा अजीब सा, तो ये तो कैंसिल हो गया. ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया हमारे पास, राइट. अब वाई टी आई इसमें भी वाई टी आई है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में वाई टी आई है. तो अब आगे देख लेते हैं, अब क्या है एल है, तो L हम ऐसे लिखते हैं, चलो Y T I L ये अभी भी वैलिड है, Y T I L ये ओरिजिनल L आ गया, तो मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया गाइस, क्लियर है, ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, L ऐसा नहीं चाहिए ना हमें, है ना. तो चलो फिर A क्या है, A आइडेंटिकल है, दोनों में A सेम है, ओके. देन U क्या है, U भी आइडेंटिकल है, तो U तो एज इट इज U रहना चाहिए, तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये उल्टा यू कर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आंसर क्या मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर सी मिल गया. ओके अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्यू को हम ऐसा लिखते हैं व्हाट मिरर इमेज में. ओके तो गाइज ये तीन क्वेश्चन हमने किए हैं, ये लेटर्स के बेसिस पे किए हैं. अभी नंबर्स देखते हैं और फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक भी देखेंगे, जिसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों साथ में होते हैं. कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, नंबर्स देख लेते हैं. अब हम देख रहे हैं मिरर इमेज ऑफ नंबर्स. ओके नंबर्स देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मिरर इमेज, अगेन नंबर, मिरर इमेज, नंबर, मिरर इमेजेस. ओके तो यहाँ पे गाइस देखने वाली चीज क्या है, वन को हम ऐसे मिरर में जैसे आता जाएगा. यहाँ पे सपोज मिरर है, मिरर स्टैंड कर दिया है मैंने, तो अब ये समझ लीजिए कि इनके मिरर इमेजेस इस तरीके से आते हैं कुछ. ओके तो अगर अब मैं लिखना स्टार्ट करूं इसका मिरर इमेज 25887. ओके तो गाइस यहाँ पे हम देख पा रहे कि 8 जो इकलौता नंबर है 1 से लेके 9 में, जिसका मिरर इमेज क्या आता है, सेम आता है. ओके बाकी और किसी का भी सेम नहीं आता है, राइट. तो चलिए अब हम लिखते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 2 से या 7 से, ये देखना जरूरी है, राइट. तो मिरर के जो सबसे नजदीक होता है हम उसको पहले लेते हैं, है ना, क्योंकि मिरर में सबसे पहले वो दिखेगा. तो 7 को हम कैसे लिखते हैं, 7 को हम लिखते हैं ऐसे, तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 आएगा. फिर 8 को एज इट इज लिखते हैं, है ना, 8 तो सेम है तो एज इट इज. 5 को हम कुछ कैसा लिखते हैं, 5 को हम लिखते हैं कुछ ऐसा, राइट. तो 5 ये हो गया. और 2 को हम कैसा लिखेंगे, कुछ ऐसा. तो ये गाइस हो जाएगा मिरर इमेज ऑफ 25887. ओके जो मिरर के सबसे ज्यादा नजदीक है वो सबसे पहले लिखाएगा मिरर इमेज में. ओके इन द सेम मैनर ये तो हो गया नंबर्स के बेसिस पे, है ना. अब अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक देखूं, अल्फा न्यूमेरिक दैट मींस अल्फाबेट्स भी रहे, लेटर्स भी रहे और नंबर्स भी रहे. ओके तो उनको अगर मैं मिरर इमेज में लिखूं, तो वैसे ही अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या आएगा, अल्फा नहीं आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा जो मिरर के सबसे क्लोज है ना, तो पहले वो आएगा. तो सबसे पहले क्या आएगा, 9. तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, राइट, कुछ इस टाइप का लिख रहे हैं. फिर z को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल z को, स्मॉल z को हम लिखते हैं ऐसे. m को हम कैसे लिखेंगे, m ऐसा है, तो मिरर इमेज में वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा m. ओके 3 कैसा आएगा, 3 आएगा इस टाइप का. 2 आएगा कुछ ऐसा. ओके 1 कैसे लिखाता है, 1 ऐसा. अब A, A कैसे लिखेंगे हम, A लिखेंगे कुछ इस तरीके से, this is A. Okay. H कैसे आएगा,
एच आएगा कुछ ऐसा, पी आएगा कुछ ऐसा, एल तो एल आता है और अगेन ए कुछ ऐसा. ओके अब आपको समझ में तो आ गया ना कि लाइक इस टाइप का कुछ लिखाएगा. ओके तो इस टाइप के अगर ऑप्शंस रहेंगे तो आपको वो आंसर्स को टिक करने हैं. ओके इन द सेम मैनर अब मैं इसको अगर देखूं तो इसमें क्या आएगा, पहले सेवन, सेवन को हम ऐसे लिखते हैं, वन को हम ऐसे लिखते हैं, थ्री अगेन इस टाइप से, टू टू ऐसा कुछ. ओके फिर क्या है एन, एन को पहले हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. ठीक है जे किस डायरेक्शन में आएगा, जे आएगा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका फेस जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका इस तरफ जाएगा. क्लियर है, दिस इज जे. अगेन व्हाट, नाइन, नाइन ऐसा कुछ लिखाएगा. फोर कैसा लिखते हैं, फोर लिखते हैं ऐसा. ओके सी कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में, तो सी इस डायरेक्शन में आएगा. एम तो आइडेंटिकल है, और बी कैसा आएगा हमारे पास, बी आएगा ऐसा. क्लियर है गाइस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा. तो दिस इज आवर आंसर गाइस, ऐसे ही आपको मिरर इमेज लिखना है और आप बहुत इजी है गाइस, आप ये कर सकते हैं. ओके तो नंबर्स हम अभी खत्म किए हैं, लेटर्स देख लिए हैं, अल्फा नंबर्स देख चुके हैं, अल्फाबेटिक से नंबर्स के साथ में देख चुके हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट करने वाले हैं फिगर्स के बेसिस पे. ओके तो नेक्स्ट चलते हैं आगे गाइस. कुछ ऐसा पिक्चर्स टाइप में, फिगर्स टाइप में आपको गिवन होता है और उसका बोलता है मिरर इमेज फाइंड आउट करो. ओके तो हम मिरर इमेज फाइंड कैसे करेंगे इसका, तो जो भी मिरर के सबसे पास होता जाएगा ना उसको हम ड्रॉ करते जाएंगे. जैसे ये लाइन था सबसे पास में, तो हमने पहले क्या कर लिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया. ओके तो बॉक्स तो सिमेट्री ही रहेगा, है ना, तो बॉक्स हमने पूरा कंप्लीटली ड्रॉ कर दिया इसी तरीके से जैसा ये ड्रॉ है. फिर ये लाइन कहाँ से, इस कॉर्नर से स्टार्ट है, तो ये इसके इस तरफ है पास में, तो उतने ही पास में इधर से, तो इधर से ये डायगोनली लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, इसका हो गया काम खत्म. राइट अब ये इस कॉर्नर से डायगोनली गया तो अपोजिट कॉर्नर से क्या जा रहा है, ये एरो जा रहा है, तो अपोजिट कॉर्नर से ये एरो डाल दिया. अब फिर क्या है, और मिरर के पास ये लाइन हो गया और पास एरो हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लाइन और एरो होता गया. ओके अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये दो स्टार्स पहले आएंगे, है ना, मिरर के पास में, ना कि ये थर्ड वाला स्टार, है ना. तो पहले ये दो स्टार्स आएंगे, इसलिए हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, दो स्टार्स ड्रॉ करेंगे जो कि मिरर के सबसे पास है, इसलिए हमने क्या कर दिया, दो स्टार ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, इसे भी कर दिया. अब उसके बाद ये थर्ड वाले स्टार को लिया जहां पे वो है. गाइस इसी के बेसिस पे अब हम एक काम करते हैं, ऑप्शंस के थ्रू देखते चलते हैं कि कौन सा क्या होगा. ओके तो बड़ा मजा आएगा, आगे करते हैं इसको. और हमारे पास ये वाला जो साइड है, ये एक्स एक्स जो भी लिखा हुआ है, ये हमारे पास ओरिजिनल फिगर है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी हमारे पास, जो ऑप्शन आपका करेक्ट मिरर इमेज होगा वो. ओके तो हम मिरर दिया नहीं है तो हम मिरर यहाँ पे कंसिडर करते हैं. अब अगर मिरर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे गाइस, पहले इसको मिरर इमेज बनाने की कोशिश कर लेते हैं. पहले क्या है हमारे पास, एक बॉक्स है. ओके तो बॉक्स बन गया, ये वाला पोर्शन कंप्लीट. ओके अब ये पास वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, यहां से डायगोनल है क्या, नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन से डायगोनल, मतलब ये यहां से डायगोनल है. अब डायगोनल इधर से है, इस पॉइंट से, है ना, तो जहां जहां पे इस तरफ से डायगोनल है, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, डायगोनल बाकी तीनों में इसी डायरेक्शन से है ना, ये वाला डायरेक्शन, चलो करेक्ट है. अब उसके बाद क्या, डायगोनल होने के बाद सेंटर से एक लाइन है, चलो यहाँ पे सेंटर से लाइन भी हो गया, डायगोनल भी हो गया, सेंटर से लाइन भी हो गया और डायगोनल भी हो गया, सेंटर से लाइन डायगोनल भी, तीनों में है. ओके तो ये सेंटर से लाइन भी हो गया और डायगोनल भी, फिनिश. अब क्या बचा, फिर से एक वर्टिकल लाइन, तीनों में है ये वर्टिकल लाइन, चलो तीनों में है ये वर्टिकल लाइन, ये भी हो गया. अब क्या बचा, दोनों स्क्वायर्स जो बन गए हैं उनके अंदर भी लाइंस है. ओके गाइस ये तो कैंसिल हो गया था ना हमारा ऑप्शन है बी वाले में, दोनों में लाइन, तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया. और क्या है, सी वाले में ऐसा लाइन है लेकिन ये ऐसा लाइन नहीं आ रहा है, राइट, ये वाला लाइन नहीं आ रहा है इस पे, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल हो गया. डी वाला ऑप्शन, गाइस डी और बी ऑप्शन दोनों सेम है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है मे बी, तो ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे आंसर्स होंगे इसके. ओके तो यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी और डी रखे हैं यहाँ पे आंसर्स. ओके बाकी तो ऐसे, बाकी यूजुअली होता नहीं है, एग्जाम्स में ऐसा होगा तो उसे इनवैलिड ही बोल देते हैं. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले में मिरर इमेज में क्या है. मिरर यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, दो सर्कल बना दिया हमने, चलो दो सर्कल भी बन गए हमारे. अब उसके बाद क्या है, पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ आ रहा है. ओके और ऊपर क्या आ रहा है, ऐसा ट्रायंगल आ रहा है, करेक्ट है.
इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ ऐसा कुछ आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है. तो सेम फिगर मिलना चाहिए हमें इस तरफ वाला, है ना, ऊपर स्क्वायर मतलब ये एलिमिनेट हो गया. ऊपर क्या चाहिए हमको पहले वाले में, ट्राइंगल. तो ऊपर ट्राइंगल करेक्ट है, नीचे ये वाला सेमी सर्कल, ऊपर सेमी सर्कल नीचे स्क्वायर. दिस इज द करेक्ट आंसर. और कोई ऑप्शन है क्या, जैसे फर्स्ट वाले में हमें दो ऑप्शन मिल गया था, चेक कर लेते हैं हम गाइस. तो यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ और, चौथा है ही नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया. यहाँ पे ऊपर ट्राइंगल चाहिए था, लेकिन गाइस यहाँ पे देखो सब है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल का फेस देखो, यहाँ पे ट्राइंगल का फेस हमें ऐसा मिला है ना, और यहाँ पे कैसा मिल रहा है, अप डायरेक्शन में. तो ये आंसर नहीं है. ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है. ओके गाइज, ऐसे ही एलिमिनेट करते चलना है, तभी आपका आंसर जल्दी आ पाएगा. थर्ड वाला ले रहे हैं गाइज, तो यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया, सर्कल बना दिया. अब ये पास वाले से ले रहे हैं ना, तो यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से हमने एक डायगोनल खींच दिया. ओके अब मिरर के और पास क्या है, पहले क्या आ रहा है, सेमी सर्कल, तो पहले सेमी सर्कल बनेगा. उसके बाद क्या आ रहा है, डाउनवर्ड में ट्राइंगल, डाउनवर्ड में ट्राइंगल, तो डाउनवर्ड में ट्राइंगल बन गया. तो ये ऊपर सेमी सर्कल है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये ऊपर ट्राइंगल है, लेकिन इसका अपवर्ड है ट्राइंगल, है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. हमें डाउनवर्ड ट्राइंगल चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया. ऊपर में हमें ट्राइंगल चाहिए, ये ट्राइंगल मिल रहा है हमें डाउनवर्ड, और यहाँ पे भी सेमी सर्कल. तो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर. ओके इन द सेम मैनर, चलो अब हम जल्दी से ये सब भी देख लेते हैं. ये वाले में अब डायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो इस डायरेक्शन में इधर है, तो ये जो आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, ये वाला जो आएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला जो आएगा इस डायरेक्शन में. ये ब्लैक पूरा भरा हुआ है, ये ऐसा लंबा लंबा है और ये ऐसे है. ओके तो ऐसा आंसर जो भी होगा उसे हम टिक कर देंगे. तो देखते हैं क्या है ऐसा ऑप्शन में, इस तरफ है करेक्ट है, लेकिन ब्लैक नीचे आ गया, ये गलत हो गया. ब्लैक नीचे आ गया तो ये भी गलत हो गया. ब्लैक ऊपर, ब्लैक ऊपर करेक्ट है, लेकिन और क्या चेंजेस है यहाँ पे, ये देखो ये हमें लंबी लंबी लाइंस है और यहाँ पे कैसी आड़ी है, तो ये एलिमिनेट हो गया. और दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर. ओके गाइज, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. गाइज वैसे मैं इसका क्लॉक वाला सेशन अभी लेने वाली हूँ, इसके जस्ट बाद हम इसका मिरर इमेज का क्लॉक सेशन भी पढ़ेंगे, तो इसे आप निग्लेक्ट ही करें तो ज्यादा बेटर है. चलो तो नेक्स्ट लास्ट वाला देख लेते हैं. लास्ट वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक सर्कल है, फिर उसके बाद अब अगर मैं मिरर इमेज बना रही हूँ तो ये एक बॉक्स तो बनी गया हमारे पास, है ना. अब ये सर्कल यहाँ से काफी दूर वाले में, तो सर्कल मतलब इस तरफ आएगा, तो जिसमें भी सर्कल दूसरे डायरेक्शन में मतलब इसमें, ये तो एलिमिनेट हो गया, सर्कल यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए. सर्कल हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, है ना. तो ये वाला ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया. अब क्या करें, अब हाथ कहाँ पे, हमारा हाथ है, चलो तो पहले ये मैं बॉक्स बना लेती हूँ, इसके ऊपर ये चेहरा बन गया. अब पैर का लोचा और हाथ का लोचा, है ना, तो मिरर के तरफ ये है, तो ये वाला हाथ ऐसे आएगा और ये वाला हाथ स्ट्रेट आएगा, क्लियर है. ये पैर स्ट्रेट वाला इस तरफ है, तो स्ट्रेट वाला पैर इधर आएगा और ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला पैर ऐसे आएगा. बन गया हमारा ये इमेज, मिरर इमेज. ओके तो इसमें से जो भी ऑप्शन है देख लो, ये है, ये तो गलत आ रहा है. ओके दोनों इसके हाथ ऐसे टेढ़े हो गए हैं, जबकि एक हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट चाहिए. दोनों टेढ़े हैं, एक स्ट्रेट चाहिए, एक स्ट्रेट एक टेढ़ा एक स्ट्रेट. ओके ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर गाइज, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है. ओके तो गाइज ऐसे ही करना है फिगर इमेज. अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ मिरर इमेज का. अब हम करेंगे क्लॉक वाला, वॉच टाइम को हम कैसे मिरर इमेज में जल्दी से रिप्रेजेंट करेंगे हम वो देखेंगे. ओके वॉच का ना कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मिरर में वो क्या करता है एक्चुअली. ओके तो देखिए हमारे पास ये ग्रीन कलर में क्या है, आवर हैंड है, और रेड कलर में क्या है, हमारे पास मिनट हैंड है. ओके और ये क्लॉक है हमारे पास, क्लियर है. तो चलिए हमारे पास ये क्लॉक दिया, रियल इमेज में हम पहले फोकस करते हैं आरआई में. ओके उसके बाद एमआई देख लेंगे मिरर इमेज कि वो कैसे हम लिखेंगे. ओके तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 12 है, 12 में बड़ा काटा है. ओके और शॉर्ट हैंड किस में है, आवर हैंड किस में है, हमारा 10 में है. ओके तो चलो अब हम क्या करेंगे, 12 है तो 12 से हम काउंट करेंगे. ओके 12 के कितने बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने 2 बाद में आवर हैंड है. तो 12 के डायरेक्शन गाइज, अगर हम मिरर इमेज पढ़ रहे हैं, हम अगर मिरर इमेज पढ़ रहे हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों चेंज होता है. ओके अगर राइट दिया है तो वो लेफ्ट हो जाएगा, और अगर लेफ्ट दिया है तो वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. तो अगर इस तरफ अभी लेफ्ट है तो मिरर इमेज में वो क्या हो जाएगा, राइट तरफ हो जाएगा. और कितने दूर होगा, 1 और 2 आवर्स दूर. तो 1 और 2 आवर्स दूर. तो शॉर्ट हैंड कहाँ पे आ गया, हमारा 2 में आ गया. और मिनट हैंड एज इट इज, क्योंकि वो 12 में है, स्ट्रेट में है. अगर वो थोड़ा सा भी इधर होता तो वो 12 के थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आता. ओके
क्लियर है गाइज? तो इस तरीके से लिखते हैं गाइज। इसका शॉर्टकट भी है, मैं शॉर्टकट मेथड भी बताती हूँ आपको, इसके और एग्जांपल्स हम देख लेंगे ओके। अगर ये शॉर्टकट में मैं देखना चाहूँ तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? तो गाइज हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ याद रखना है 23 आवर्स 60 मिनट्स, दिस इज आवर्स एंड दिस इज मिनट्स ओके। या तो ये याद रखना है, या तो याद रखना है 11 आवर्स 60 मिनट्स ओके, दिस इज आवर्स एंड दिस इज मिनट्स, 11 आवर्स 60 मिनट या तो 23 आवर्स 60 मिनट। अगर आपको 13, 50, 55 ऐसा कुछ दिया रहेगा तो आपके लिए ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 11 तक ही है ओके। तो अगर आप ये भी याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 12 बजे के बाद दोपहर का टाइम क्या होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, तभी हमारा क्या होता है पूरा दिन खत्म होता है और कितने आवर्स हो जाते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपको ये मालूम रहेगा कि हाँ एक को हम 13 बोलते हैं, दो को हम 14 बोलते हैं, ऐसे काउंट कर लिया आपने उंगलियों में, तो आप सिर्फ ये याद रखिए 23 60 याद रखिए। क्यों याद रखिए गाइज, वो भी अभी मैं बताती हूँ। 23 60 अगर आप याद रखेंगे, आवर्स कितने होते हैं हमारे पास, 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में हमारे पास कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो अगर हमें मिनट्स भी गिवन है, यहाँ पे तो मिनट्स गिवन नहीं था इसलिए डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, है ना। अगर मिनट्स भी हमें गिवन है तो हम ये ऐसे में लिखेंगे, अगर आवर्स ही है तो 24 आवर्स ही है हमारे पास, करेक्ट है। तो चलो अगर मैं इसमें देखूं रियल टाइम हमारे पास कितना था, 10 AM, है ना, तो हमें मिरर इमेज में कितना मिलेगा, 23 आवर्स 60 मिनट्स माइनस 10 आवर्स 00 मिनट्स ओके, माइनस कर देना हमें से। माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 60 माइनस 00 तो 60 हो गया, और 23 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा 23 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 आवर्स एंड 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब कितना हो गया, 1 आवर और हो गया, मतलब 13 आवर्स प्लस 1 दैट मीन्स कितना हो गया, 14 आवर्स, और 14 हम किसको बोलते हैं, 2 बजे को बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम क्लॉक में 2 बजा सकते हैं, 2 बज गया, तो हमारा ये क्या आ गया आंसर। तो ये मिरर इमेज में हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, 2 मिल गया ओके गाइस। हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओके। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, लुकिंग इनटू अ मिरर द क्लॉक शोज 9:30 एज द टाइम। हम किसी मिरर में देख रहे हैं तो हमें क्लॉक क्या मिल रहा है, 9:30 शो कर रहा है ना। चलो यहाँ पे मिरर था तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज हम ले लेते हैं, और टाइम कितना शो कर रहा है, आवर हैंड को ले लिया मैंने ग्रीन से, और मिनट हैंड को मैं ले लेती हूँ रेड कलर से ओके गाइस। तो टाइम कितना शो कर रहा है मुझे, 9:30 शो कर रहा है, किसमें, मिरर इमेज में। तो मिरर इमेज को अगर मैं मिरर में दोबारा देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक्चुअल इमेज मिल जाएगा, रियल टाइम मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि मिरर इमेज में राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो कांटे हैं वो चेंज होते हैं, है ना, हैंड्स जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं आपस में, है ना। तो ये जो स्ट्रेट है 6 में, तो 6 तो एज इट इज स्ट्रेट में ही रहेगा, है ना, तो 6 तो एज इट इज 6 में ही रहा रेड। लेकिन जो ये ग्रीन है 9, वो अपना साइड चेंज करेगा, 9 में है दैट मीन्स वो क्या है, 3 में आएगा, है ना, 3 में आ गया। तो हमारा अकॉर्डिंगली ये कितना हो रहा है, 3:30 आंसर आ रहा है, और ये ऑप्शन में भी है ना गाइज। लेकिन यहाँ पे समझने की चीज ये है कि जब भी हम 9:30 टाइम बजाते हैं, है ना, जब भी हमारा 9:30 होता है, इसे मैं हटा दूं अगर, तो 9:30 जब होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि आवर हैंड 9 से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता है ऐसा। तो ये भी क्या होगा, आवर हैंड 2 और 3 के ऊपर शिफ्ट रहेगा, है ना, 10 और 9 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में होगा आवर हैंड, और मिनट हैंड एज इट इज किस में होगा, 6 में होगा। तो 2:30 आएगा आंसर गाइज, इसका 2:30 बजेगा, ना कि 3:30 ओके, आंसर 2:30 गाइज। ऐसे में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताया था 23:60 लर्न करने के लिए, है ना। 23:60 में मैंने क्या बताया, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास टोटल, 24 आवर्स में से मैंने 23 आवर्स में लिख दिया और 60 मिनट्स में लिख दिया, मतलब 60 मिनट्स मतलब क्या हुआ, 1 आवर, एंड 23 आवर प्लस 1 आवर कितना में हो जाता है हमारे पास, 24 आवर्स हो ही जाते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने इसे क्या लिख दिया, 23:60। अब अगर मैं 23:60 में जो हमें गिवन टाइम है, कितना गिवन है टाइम, 9:30, ये अगर मैं रिड्यूस कर दूं, माइनस कर दूं, तो हमें एक्चुअल टाइम मिल जाता है गाइस ओके। तो रिड्यूस करके देखते हैं हम, तो क्या होगा, 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 3 इज 3,
हम यहाँ पे टाइमर का लगा दिए. अब ये 3 है तो कैरी गया 1, ये 1 हो गया. 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, और ये 1 का 1 कितना हो गया 14, 30. 14 मतलब हम 14 किसको लेते हैं, ये 13 हो जाता है तो ये 14 हो जाता है, मतलब 14 किसको लेते हैं 2 को, 2 ये हो गया, और मिनट कितने हो गए 30, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 230 इज अवर आंसर. गाइज ऐसे ही करना है आपको. अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते हैं बिना क्लॉक बनाए तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं 2330 वाले से गाइज. तो ये याद रखिए, या तो आप 2330 लिख सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं 1160 लिख सकते हैं. 12 आवर्स के बेसिस पे है ये, और ये 24 आवर्स के बेसिस पे. ओके यहाँ पे छोटा टाइम है 9:30 है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं 9:30 कर सकते हैं माइनस, तो ये कितना मिल जाता 30, और 9 माइनस 11 माइनस 9 करते तो 2 मिल जाता, तो डायरेक्टली हमें 230 आंसर मिल जाता. ओके लेकिन अगर आपको बड़े नंबर्स मिल जाएंगे, बड़े नंबर्स लाइक आपको अगर मिल गया 2360 में से माइनस करना पड़ गया आपको 1315 ऐसा कुछ माइनस करना पड़ा, तो आपका आंसर कितना आता है, इसको हम माइनस करते तो आंसर आता है. लेकिन आप 1315 को आप इससे माइनस नहीं कर पाते है ना, 1160 से माइनस नहीं कर पाते, क्योंकि 11 तो छोटा हो जाता 13 बड़ा हो जाता. इसलिए अगर आप चाहें तो 2360 याद करिए, या तो फिर ये भी याद करिए, या दोनों याद रखिए. छोटा टाइम दिया है तो आप इससे डायरेक्टली आंसर लाइए, बड़ा टाइम दिया है तो 2360 से आंसर लेके आइए. ओके गाइस और क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं क्लॉक के बेसिस पे, फिर हमारा ये मिरर इमेज खत्म हो जाएगा प्रॉपरली. ओके अ क्लॉक शोज 5:55 इफ अ पर्सन सीज द क्लॉक इन अ मिरर, अगर व्हाट टाइम डज इट शोज. एक क्लॉक कितना शो कर रहा है 5:55, स्मॉल वाला हम ले लेते हैं 5:55 मतलब अराउंड ऑलमोस्ट 6, तो फिर ये स्मॉल काटा 5 और 6 के बीच में रहेगा, और 55 मतलब 11 में रहेगा, करेक्ट है. ओके तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बना रही हूँ है ना, क्या बोल रहा है कि एक क्लॉक शो कर रहा है 5:55, लेकिन एक पर्सन अगर उसी क्लॉक को मिरर में देखे तो उसका टाइम क्या बताएगा उसे मिरर में, है ना. तो मिरर इमेज पूछ रहा है यहाँ पे, मिरर इमेज ऑफ अ टाइम 5:55, तो यहाँ से मैं 6 को अगर पकड़ू, 6 तो छोटा स्मॉल काटा, ग्रीन वाला कहाँ पे 5 और 6 के बीच में, इस तरफ साइड चेंज करेगा 6 से तो इस तरफ आएगा ग्रीन वाला, है ना, मतलब वो किसके बीच में आएगा 6 और 7 के बीच में आएगा, करेक्ट है. और ये वाला किस में 11 में, तो इधर से 12 पकड़ लूं, 12 कितने दूर है 11 से 1, तो इस डायरेक्शन में भी वो कितने दूर आएगा 1 दूर आएगा, है ना. तो 12 के तरफ से अगर मैं चलूं तो ये किस में आएगा 1 में आएगा, राइट गाइस. इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, देखें अब ये स्लाइटली शिफ्ट हुआ है ना, ये स्लाइटली शिफ्ट हुआ है तो हमें ये कितना कैसे लग रहा है 7:05 लग रहा है, 7:05, लेकिन ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में तो है ही नहीं गाइस. ऐसी गलती को ही हम हटाने के लिए, हमसे ऐसी गलतियां ना हो, इसी को हम हटाने के लिए क्या करने के लिए बताएं, या तो 1160 या तो 2360, ये बताया मैंने है ना. तो चलो कर लेते हैं, टाइम कितना दिया है 5:55, दोनों में करके देख लेते हैं 5:55. ओके और हमें करना क्या है, इसे माइनस करना है तो माइनस भी कर लेते हैं. 0-5 होता नहीं है तो कैरी ले लिया, यहाँ पे 1 हो गया, 10-5 is 5, और ये कितना हो गया 5, 5-5 is 0, और 11-5 is 6, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ से हमारा 6:05. आंसर क्या आना चाहिए हमारा, ये थोड़ा सा ही स्लाइड होना चाहिए था, और ये 5 पे तो करेक्ट है, तो 6:05 हमारा करेक्ट आंसर है. अगर मैं इधर से भी करके देखूं तो देख लो यहाँ से 10-5 is 5, ये 5 हो गया तो ये 0, और ये कितना हो जाएगा 13-5 is 8, और ये 1 हो गया तो 1, 18:05. 18 किस में आता है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 मतलब क्या आया 6 ही आया, और 05 का 05 मिनट्स में है वो, करेक्ट है गाइस. तो ऐसे आप आंसर्स टिक करिए तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे गाइस. ओके तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. When seen through a mirror, अगर हम मिरर में देख रहे हैं तो a clock shows 8:30 the correct time. Correct time कितना शो कर रहा है क्लॉक 8:30 मतलब 8 और 9 के बीच में ये रहेगा, और ये कहाँ आएगा 30 मतलब 6 पे, करेक्ट है. तो हम अगर ड्रॉ करें तो ये कितना आएगा 6 में, और 8 और 9 के बीच में मतलब ये कहाँ पे आएगा, ग्रीन वाला कहाँ पे आएगा 3 और 4 के बीच में, मतलब आंसर आना चाहिए हमारे पास कितना 3:30 हमारे पास आंसर आना चाहिए हमारे इमेज के थ्रू. ओके तो चलो अब हम क्या कर लें, ट्रिकी वाले वे से देख लें जिससे आंसर हमारा गलत हो ही ना. चलो तो देख लेते 11:60
माइनस कितना दिया हमें 830, ओके तो 60 माइनस 30 इज 30 और 11 में से अगर 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो आंसर इज 330. हमारा आंसर कितना आ गया करेक्ट 330 इज अवर आंसर. गाइस क्लियर है, इससे काफी जल्दी हो रहा है. 2360 से भी आप कर सकते हैं, 8 इंटू 30 तो ये 30 हो गया, 23 माइनस 8 करेंगे तो 13 माइनस 8 इज हाउ मच 5 एंड दिस इज 15, तो 1530 तो कितना होता है ये 12 है तो इधर 13, 14, 15 मतलब क्या है 3, 15 मतलब 3 तो ये कितना हो गया 330. गाइस इन दोनों में से कुछ भी याद रखिए, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा नंबर मिलता है लाइक यहाँ पे मैंने अगर आपको सपोज आपको अगर ऐसा मिल जाता कि आपका टाइम गिवन है 14 आवर्स 3 मिनट्स ओके, तो आपका करेक्ट टाइम क्या होगा जो मिरर में शो कर रहा होगा. तो अब 1160 में से 14 को तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि ये आवर्स तरफ 14 है ना, और इसमें बड़े से छोटा वाला तो कंसेप्ट है नहीं, हमें 1160 से ही माइनस करना होता था. इसीलिए हम क्या लिए 2360 भी लेके रखे. अगर मैं 2360 से माइनस करूंगी इसे ऐसे तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 7 और ये कितना बच जाएगा 5 57. अभी इधर से कैरी गया तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 इज 9 और तो ये कितना मिल गया हमें 957 मिल गया राइट. तो अगर मैं इसे 1160 से करने का देखूं 1160 से तो मैं ये 14 को लिख सकती हूँ 2:03 लिख सकती हूँ राइट. तो 1160 से अगर मैं माइनस करती हूँ 2:03 को तो यहाँ पे तो ये 57 आएगा ही आएगा. अब 11 माइनस 2 इज 9 तो यहाँ से भी कितना आ रहा है हमारे पास 957 आ रहा है. तो गाइस ये बड़े नंबर के लिए या तो ऐसे याद रख लो या तो ये याद रख लो कि 14 को आप 2 भी लिख सकते हो, 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 भी लिख सकते हो ओके, 16 मतलब 4, 17 मतलब 5, 18 मतलब 6 एंड 19 मतलब 7, 20, 21, 22, 23, 24, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए. जैसे देखें, by looking in a mirror, it appears that it has 6:30 in the clock. Clock में कितना बज रहा है बोल रहा है 6:30 मतलब 6:30 बोल रहा है मतलब guys small वाला जो hand है short hand है वो 6 में नहीं होगा, 6 और 7 के बीच में होगा right. 6:30 हो जाता है आधा घंटा ज्यादा हो जाता है तो हमारा आवर हैंड थोड़ा सा खसक जाता है 6 के पास से राइट. तो अब हमारे पास क्लॉक ऐसा होगा तो हम अगर इसका मिरर इमेज देख रहे हैं तो मिरर इमेज का रियल इमेज कुछ इस तरफ मिलेगा हमें, कुछ इस तरफ मिलेगा मतलब हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए 5:30 अकॉर्डिंग टू अवर इमेजेस ओके. तो अब हमें 6:30 दिया है तो 1160 से माइनस कर दो 6:30 को, माइनस कर दिया तो 60 माइनस 30 इज 30 और 11 माइनस 6 इज 5, अब आंसर इज 5:30 करेक्ट है हमारा आंसर. या तो डायरेक्टली इससे करते हैं, हम तो इमेज के थ्रू भी कर रहे हैं और इसके थ्रू भी कर रहे हैं राइट. कभी कभी इमेज के थ्रू हमें गलत आंसर भी मिल जाता है इसलिए हम इसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गाइस क्लॉक रिलेटेड चीजें करने के लिए आपको क्लॉक से रिलेटेड चीजों के बारे में पता होना चाहिए. जैसे यहाँ लिखा है 3:15 है ना, तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए. तो चलो क्वेश्चन देखते हैं. A clock seen through a mirror shows 3:15. 3:15 past मतलब past 3 मतलब होता है 3 को पार कर चुका है, 3 बज चुका है. अब 3 बजने के बाद ओके मतलब 3 पे बड़ा वाला काटा आ चुका है, छोटा वाला काटा आ चुका है और बड़ा वाला काटा 12 पे आ चुका है. 3 बजने के बाद का past वाला उसके बाद का टाइम ओके. और क्वार्टर उसके बाद का क्वार्टर मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट हैंड हमारा क्या कहाँ पे होगा 3 पे होगा और लॉन्ग हैंड भी हमारा कहाँ पे होगा यहीं पे होगा, कहाँ पे होगा हमारा इसी 3 पे ही होगा ओके. मतलब 3:15 हमारे पास गिवन है, ये कितना गिवन है 3:15. तो अगर मैं आंसर डायरेक्टली निकाल लूं किससे 1160 से तो 3:15 के लिए कर लूं तो 10 माइनस 5 इज 5, ये कितना हो गया 5 माइनस 1 इज 4, 45 हो गया. अब इधर कितने 11 माइनस 3 कर लो, 11 माइनस 3 कितना हो जाता है 8, मतलब आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 8 आवर्स 45 मिनट्स इज अवर आंसर, आंसर नंबर 3 इज अवर आंसर. लेकिन इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं प्लेस करूं तो देखते हैं क्या ये थोड़ा सा खसका होगा जब 15 मिनट पे आया होगा, जब ये लॉन्ग हैंड 15 मिनट पे पहुंचा होगा तो आवर हैंड थोड़ा सा तो खसका होगा, मतलब 3 और 4 के बीच में मतलब कहां पे होगा 8 और 9 के बीच में होगा करेक्ट है, 8 और 9 के बीच में होगा ओके. और ये 3 पे है तो मिनट हैंड क्या होगा सीधा ऑपोजिट हो जाएगा किस पे 9 पे, मतलब हमको क्या मिल जाएगा 8:45
8:45 मिल जाएगा. ओके, अब आंसर इज 8:45. क्लियर है गाइस? इजी जा रहा है ना. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर हमारा मिरर इमेज हम एंड करते हैं. ओके, अभी मैंने बताया था क्वार्टर पास थ्री लिखा था, है ना. यहाँ पे क्वार्टर पास थ्री लिखा था, मतलब क्या था, 3 बजने के बाद का क्वार्टर, है ना. अब क्या बोल रहा है, क्वार्टर टू थ्री, 3 बजने में 15 मिनट बचे हैं, मतलब, है ना. 3 बजने में 15 मिनट बचे हैं, मतलब क्या होगा, 2 और 3 के बीच में स्मॉल काटा होगा, शॉर्ट हैंड होगा, और 3 बजने में 15 मिनट बचे हैं, मतलब 2:45, है ना. तो हमें गिवन टाइम कितना है, 2:45. गाइस अगर ऐसे भी लिखा है तो आप डरिए मत, आपको पता होना चाहिए बस टर्म क्या बोल रहा है. What is the correct time shows now? अब 2 और 3 के बीच में शॉर्ट हैंड है, तो मतलब इस तरफ किसके बीच में होगा, मतलब ये 1, 2 और 2 और 3 के बीच में, तो 1, 2 मतलब 9 और 10 के बीच में होगा शॉर्ट हैंड, ग्रीन वाला. ओके, तो लॉन्ग हैंड कहाँ पे है, और लॉन्ग हैंड कहाँ पे, 9 पे, तो लॉन्ग हैंड कहाँ पे हो जाएगा, 3 पे. तो ये कितना बच जाएगा, 9:15 होगा, क्या 9:15 होगा. ओके, 9:15 हो जाएगा ये. अब अगर मैं इसी को देखूं, 2:45 हमें तो मिल गया है, अगर इसी को मैं देखूं 11:60 से माइनस कर दूं, 2:45 को माइनस कर दिया मैंने. ओके, तो 10-5 इज 5, ये 5 हो गया, 5-4 इज 1, और 11-2 इज 9. तो आंसर आ गया हमारा 9:15 ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4. गाइज ये लास्ट एंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, हमारा क्लॉक वाला भी हो गया. हमने तीनों चारों टाइप पढ़ ली, एक क्लॉक पढ़ लिया, फिगर वाला पढ़ लिया, लेटर ले लिया, नंबर्स भी ले लिया, है ना. तो गाइज मेरे अकॉर्डिंगली अभी मिरर इमेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए. ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन वॉटर इमेज. आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पे मिलते रहे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय.